हेलो, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के आज प्रथम दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, प्रिंसिपल, आप सभी का इन ऑनलाइन क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा जो कर रहे हैं उसके अंतर्गत में जिस प्रकार आपने कोविड-19 की परिस्थितियों का सामना अभी तक किया है उसी को देखते हुए सरकार के निर्देशानुसार आपकी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था के लिए हमें कहा गया है और उसी क्रम में हम आज से यानी 1 फरवरी से आपकी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें आपके सामने भी कुछ कठिनाई आएगी और हमारे सामने भी कुछ कठिनाई आएगी। तो हम आपको और हमें दोनों को मिलकर इस समस्या का सामना करना है और इस समस्या का समाधान भी हमें ही ढूंढना है। कोई हमारी सहायता नहीं करेगा क्योंकि इस समस्या के लिए आप लोगों को प्रॉपर नेटवर्क होना अनिवार्य है। तो आज से हम इस ऑनलाइन क्लास का आगाज करेंगे। इसके साथ में ही हम जिस प्रकार आज जो निर्देश राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जारी किए हैं वह हो सकता है कि दिनांक 8 तारीख से अगले यानी सोमवार से हो सकता है कि आपकी ऑफलाइन क्लास भी जारी होगी। तो जैसा निर्देश सरकार द्वारा हमें प्राप्त होगा वैसे वैसे हम आपको निर्देशित करते जाएंगे, आपको सूचना देते जाएंगे। जो भी सूचनाएं आएगी वह आपको समय समय पर निर्देशित कर दी जाएगी। इसके साथ में ही हम बीएड कर रहे हैं तो उसकी क्या प्राथमिकता है, हम बीएड क्यों कर रहे हैं, हम लोग बीएड करने से हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। आज जैसे आज आप ऑनलाइन क्लास में आने से पहले भी आपने सोचा होगा कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, क्या पेन रजिस्टर लेके बैठना है, कॉपी नोटबुक लेके बैठना है कि नहीं बैठना है। यदि 8 तारीख से यदि ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी तो उसके संदर्भ में भी निर्देश क्या रहेंगे, तो ये सारी मन में आपके मन में प्रश्न चलते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज आपको एक बीएड के जो पाठ्यक्रम है उसका छोटा सा आपको स्वरूप समझा देता हूं। आपके बीएड पाठ्यक्रम में आपके प्रमुख पेपर जो हैं पांच चार पेपर मेन रहेंगे, दो आपके सपोर्टिंग पेपर रहेंगे और दो आपके कंपलसरी पेपर रहेंगे, यानी छह आपके मेन पेपर हो गए जिसमें फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास रहेगा जिसको अपन ये कह सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर फर्स्ट रहेगा। दूसरा समकालीन भारत एवं शिक्षा जिसमें आप शिक्षा के स्वरूप के बारे में, शिक्षा के विकास के बारे में आप जान सकेंगे। जो फर्स्ट पेपर था बाल्यावस्था वृद्धि विकास, इस पे बच्चा जब से जन्म लेता है उसका किस प्रकार विकास होता है और इस विकास के बाद में वह किस प्रकार अपनी धारणाएं निर्धारित करता है और इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है और इसमें ये हमारी टीचिंग में किस प्रकार मदद कर सकता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो पेपर था समकालीन भारत, यानी इस शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, शिक्षक कितने, शिक्षा आयोग बने, कितनी शिक्षा नीति बनी है, उन सब का अध्ययन, पहले कौन कौन सी शिक्षा चलती थी, क्या उनका आधार था, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम प्रथम और द्वितीय पेपर में पढ़ेंगे। तीसरा जो पेपर है जो महत्वपूर्ण पेपर है अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, यानी आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं और किस प्रकार सिखाते हैं,
सीखना और सिखाना ये दो क्रियाएं साथ साथ में चलती रहती है। बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक वह सीखता रहता है, यानी लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। और लर्निंग प्रोसेस जब चलता है तो उसमें हम कई प्रकार की उसमें क्रियाएं होती हैं, तो यह बहुत ही अच्छा। और यह आपका साइकोलॉजी से संबंधित पेपर है, इसमें आपको बहुत ही अधिक रुचि आएगी और इसमें आपको अधिकतर रुचिकर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। फिर नेक्स्ट जो पेपर है, फोर्थ पेपर है आपका पाठ्यक्रम के परे भाषा। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत में आपको किस प्रकार लर्निंग करनी है, किस प्रकार आपको पढ़ाना है, उससे संबंधित सारी जानकारियां दी जाएगी। इसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करना है, और इसके अलावा पहले लर्निंग, टीचिंग और रीडिंग, राइटिंग, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाती है। और भाषा का विकास किस प्रकार हुआ इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके अंतर्गत में जो कंप्यूटर का एक पेपर है, जिसके अंतर्गत में आपको कंप्यूटर के बारे में और आज वर्तमान में आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना है। और इसी के साथ में आपको ये भी जानना है कि कंप्यूटर का किस प्रकार, इंटरनेट का वर्तमान में हम उपयोग करके, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बना सकते हैं, उसको सरल बना सकते हैं, बच्चा अधिक अधिगम कर सकता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पेपर है जो आपका आर्ट एंड ड्रामा है। आप कला और नाट्य, इसके माध्यम से आप अपने शिक्षण अधिगम को किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं इसके में बताया जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी आप लेसन पढ़ाते हैं तो उसमें आप नाटक और काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संगीत के माध्यम से या अन्य सहायक सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वह बहुत ही प्रभावी होगा। तो इस प्रकार आपके ये 6 मेन पेपर हो गए। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके, जब आप हो सकता है 8 तारीख से महाविद्यालय में आएंगे तो महाविद्यालय में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है 10वीं 12वीं BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसने MA किया है तो MA प्रीवियस, MA फाइनल, इसके साथ में ही आपकी जो अलॉटमेंट लेटर निकल आया है ना इस महाविद्यालय का, वो अलॉटमेंट लेटर, 5,000 का चालान, 22,000 का चालान और आधार कार्ड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे आप 2-2 सेट बनाकर साथ में लेके आने, 2 से 5 फोटो लेके आने, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनों को साथ में लानी है। अब आपके जो भी ये फाइनल में 3 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट में लेने हैं। तो यह सारा प्रोसेस अब जब आप 8 तारीख से कॉलेज यदि निर्देशानुसार होगा तो 8 तारीख से आपको ये निर्देशित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम अधिकतर ऑनलाइन क्लास का भी आपको अनुभव होगा, लेकिन आज केवल इतना ही कह के मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और आप सब लोगों को इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इस महाविद्यालय के नियमों का पालन करेंगे ऐसी आशा है मुझे। और आप सभी के सहयोग से हम महाविद्यालय को बहुत ही प्रगति पर ले जाएंगे, और आप और हम, यानी शिक्षक बालक के बिना अधूरा है और बालक शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना अधूरा रहता है, तो हम सब मिलकर इस महाविद्यालय की प्रगति में, आपके उन्नति के लिए हम सब
आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसी के साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देनी है, जिसकी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने हैं, वह स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी 28 फरवरी तक कर दिए गए हैं। तो आप लोग यह फॉर्म ई मित्र वाले के यहाँ जाकर अपने फॉर्म कंप्लीट करवा दें। और जिसके ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल पुराने हैं, तो वह ओबीसी सर्टिफिकेट नए बनाने के लिए बनवा दें। और इस प्रकार आपके जो डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हैं, आपके पास में आज 1 तारीख हुई है, 8 तारीख तक का समय है, आप 7 तारीख तक कंप्लीट कर दें। और 8 तारीख को जब जैसा भी कि निर्देश मिलता है, तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके आपको बुलाएंगे। तो आपको महाविद्यालय में आना है, और महाविद्यालय में आने से पूर्व आपको अपनी वेशभूषा के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपकी वेशभूषा, अब आप देखो, इतने दिन आप स्टूडेंट थे, अब आज से आप स्टूडेंट टीचर बन गए हैं, छात्र अध्यापक बन गए हो, तो आपका जो व्यवहार है, आपकी वेशभूषा है, ये आपके पैसे के अनुरूप होनी चाहिए। यूं नहीं है कि अपला धुन होकर आप आ जाएं, आपकी ड्रेस संयमित ड्रेस होनी चाहिए। फिर आपको कॉलेज महाविद्यालय से जो भी यूनिफॉर्म दी जाएगी, वह आपको तैयार करनी है, और उसको नियमित रूप से प्रवेश, जैसा भी नियम, जैसा भी आदेश आएगा, वैसा आपको सूचना दे दी जाएगी। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।